ये गहलोत नहीं, ये ग्रेलोट सरकार है। ये घर को लूटो और दिल्ली के आकाओं को खुश करो। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। आजकल तो मुझे शाम को बताया गया कि मीडिया वाले बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरा कोई रूटीन कार्यक्रम मीडिया से मिलने का नहीं था, लेकिन आप लोगों की आतुरता देख करके मैंने कहा एक फाइट जरूर दे दूंगा। मित्रों, आज मैं सुबह से पार्टी के राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव प्रक्रिया की दृष्टि से जो हमारी योजनाएं बनी हैं उसकी बारीकियों के बारे में चर्चा करने के लिए आया था। शुरू में जो नहीं सहेगा राजस्थान और उसके साथ साथ 1 तारीख को किए जाने वाला घेराव, उसके बारे में मैंने जानकारियां हासिल की और ये कार्यक्रम सफल कार्यक्रम सही मायने में राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को 1 मिनट भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये वातावरण जो हम सबको दिख रहा है, उस कैंपेन में नहीं सहेगा राजस्थान का सफल आयोजन 1 तारीख को होने वाला है। मैंने लंबे समय तक बैठ करके कोर कमेटी की बैठक में आने वाली पार्टी की योजनाओं के बारे में गहराई से चर्चा भी की और रणनीति को, जिसको कहते हैं कि उसको अंतिम रूप देने का काम किया गया है। आपको अगले 5-4 दिनों में जो योजना है उसके बारे में डिटेल जानकारी भी मिलेगी और किस तरीके से हम रणनीति को आगे ले जा रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में एक तरफा आशीर्वाद राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है और इसके साथ साथ 2024 में हमारे लोकसभा में क्लीन स्वीप के लिए लोग आतुर बैठे हैं, ऐसा मैं आश्वस्त हूँ। जिस तरीके का मैं वातावरण देख रहा हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण, जो साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण हुआ है, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा युवा भाई, हमारा किसान भाई, हमारी माताएं बहनें, इनका जो सशक्तिकरण हुआ है उसको भली भांति राजस्थान की जनता ने समझा भी है और जाना भी है और इसलिए वो एक तरीके से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपने समय में पूरा आशीर्वाद दे करके भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएंगे। जहाँ तक गहलोत सरकार का सवाल है, मैंने पहले कहा था ये गहलोत नहीं, ये ग्रेलोट सरकार है। ये घर को लूटो और दिल्ली के आकाओं को खुश करो। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। आजकल लाल डायरी की खूब चर्चा है। आप सबके ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से जब पाप का घड़ा भरता है तो वो इस तरीके से उजागर होता है और भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। महिला उत्पीड़न लगभग अगर हम देखें तो 18 से 19 रेप केसेस हर दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। लगभग 7 से 8 मर्डर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। क्राइम का वो हाल हो गया है और विशेष करके दलित महिलाओं का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि गहलोत सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज इस तरीके की परिस्थिति राजस्थान की खड़ी हो गई। जो शांत प्रिय प्रदेश था, जो संस्कारों के लिए जाना जाता है, जिसकी एक अपनी संस्कृति है, जिसका एक अपना इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, उस धरती पर इस तरीके से महिला सम्मान का के बजाय महिला अपमान हो, यह कभी भी राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और इसीलिए हमारे ध्यान में भी आया है कि लगभग 24,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म रिपोर्ट हुए हैं। ये किसानों की बात करते हैं, 19,500 किसानों को कुर्की के नोटिसेस दे दिए गए हैं। ये बात करते हैं कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। आज किसान बेहाल अपने आप को महसूस कर रहा है और वह ठगा महसूस कर रहा है। जो जिन बातों की चर्चा करते हैं, हम सबके ध्यान में आया है कि विकास का नाम पर जो केंद्र सरकार ने दिया वह भी ठीक ढंग से नहीं लगाया गया है और जिस तरीके की लूट यहां पर मची हुई है, जिस तरीके से हर कोई लूटने पर लगा हुआ है, ये भ्रष्टाचार अब राजस्थान सहने वाला नहीं है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मत देगा। जहां तक दलितों का सवाल है,
लगभग 8,000 से ज्यादा केसेस एक साल, 8,000 केसेस इन वन ईयर 2022 में रिपोर्ट हुए। ये दलितों की स्थिति है। युवा का जो स्थिति है वो हम सबको मालूम है, जो ये रीट के भर्ती में हम सबके ध्यान में आया, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, ये सब बताता है कि युवाओं के साथ भी बहुत ही जिसे कहा जाए कि घोर अन्याय हुआ है। वो ठगा महसूस कर रहा है और आतुर है कि कब वो गहलोत सरकार को उखाड़ फेंके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इन योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे हमें सफलता मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यू सी आवर टीम्स आर